अलैकुम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बस एक मिनट यार, स्ट्रीमिंग ऑन कर लूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तब तक बाजी, अब रोटी सेक आए अपनी। कोई बर्तन धोता है क्लास के टाइम, को रोटी पकाता है, एटलीस्ट दे आर डूइंग सम वर्क, नॉट लाइक यू जो सिर्फ यहाँ बैठ के कमेंट कर रही होती है और कीबोर्ड वॉरियर बनी होती है, जिसको क्लास में आता याद कर रिटर्न्स भी करवानी होती है। दे आर बेटर देन यू। ये आपको लगता है आप पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते पुढ़ते, छे वहां पढ़ते नहीं, आखिरी दिन में कहते हैं हम पढ़े होते हैं। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं कोई नहीं दुआ करता, मैं मेरे ना आनंद में।
चलें जी स्टार्ट करते हैं। हर जगह पे स्ट्रीमिंग का लिंक भी चला गया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीमिंग वालों को आवाज आ रही है? सर सेल्स टैक्स से डर लग रहा है, तो पहले तो क्यों नहीं पढ़िया? स्ट्रीमिंग वालों को आवाज आ रही है? आप हैं तो क्या डर है सर, ये तो सोच है। अगर मैं आप लोगों को रिमूव कर देता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग इरिटेट कर रहे हैं। सिंपल इज दैट केस, अगर आप कमेंट बॉक्स में स्पैम करेंगे एक ही बात को 20-20 दफा रिपीट कर रहे होंगे, तो मैं सिंपल आपको रिमूव कर दूंगा। कितना अच्छा होना इस पर्सपेक्टिव से। मैं एक सेकंड अपना आईफोन चार्जिंग पे लगा लूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यार सेल्स टैक्स का इतना कुछ करवाया हुआ है, इतना कुछ करवाया हुआ है, अब मैं सेल्स टैक्स का सोच रहा क्या करूं। हमने सेल्स टैक्स को इतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, लेकिन इन 2 महीनों में कितना पढ़ा जा सकता। चले जी, मैंने अपना आईफोन को चार्जिंग पे लगा लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने दो न्यूमेरिकल्स किए थे एंड दे बोथ वर द लाइक डिफिकल्ट वन न्यूमेरिकल थे। उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है थी तो बताए। वो न्यूमेरिकल्स करके कुछ समझ तो नहीं आई थी। अब आपने क्या एक चीज गौर किया हो, वो तमाम एडजस्टमेंट्स वही थी जो हम कर चुके हुए थे। वो जो आपको तमाम रूल्स पढ़ाए थे, अगर आपके पास समरी शीट पड़ी हुई है तो बिजनेस का न्यूमेरिकल 100% उस समरी शीट से होता है। ऐसा है कि नहीं? बता दें सर, मैंने आपके क्लासेस से ज्वाइन किया था, मैंने सेल टैक्स नहीं किया, और आपके बिना क्लासेस में मेरा इनकम टैक्स पोर्शन 95% हो गया। अगर आपने सेल टैक्स नहीं किया तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। समरी शीट्स को याद नहीं करना, समरी शीट को आपने 2 से 3 दफा पढ़ना है। वो तमाम रूल्स आपको समझ लग रहे हैं? देखिए मैंने कल भी साबित किया है कि इस सेल्स टैक्स में जो टैक्स है, खास तौर पे जो बिजनेस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है कि आपने चीजों को ऐड बैक करना है या लेस करना है। कैलकुलेशन तो नहीं है ना? कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं। चीजों को ऐड बैक करना, लेस करना, यही है सारा कुछ सेल्स टैक्स में। जी जनाब,
सर आप रिमूव क्यों कर देते हैं? आप किसी हरकत की वजह से आपको मैं फिर रिमूव करूंगा कि आप एक दफा कमेंट करते हैं मुझे नजर आ जाते हैं। आपके 10-10 दफा कमेंट करेंगे तो आप मुझे स्पैम करेंगे तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा। वो भाई समरी शीट को याद नहीं करना, खुदा का नाम ले। उसमें जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो जब आप उसको रीड कर रहे हैं आप टिक करते हैं, हाँ ये मुझे आती है, ये मुझे पता है एडबैक होनी है, ये मुझे पता है लेस होनी है। वो चीजें हैं वो आपको बतानी चाहिए। अब वो मैंने पूरे बिजनेस में से जो क्रैमिंग वाले एरिया से वो डेफिनेशंस कुछ ऐसे रूल्स थे जो मैंने बताए थे वो रटे मारने वाली चीज थी। सिंपल इज दैट केस। सर कैमरा ऑन कर लें यार, कैमरा रहने देते हैं क्यों करना है? कैमरा लाजमी है, मेरे बाल खराब है, मसला ये है आज। सर आज ऐसा क्वेश्चन करवाएं कि मजा आ जाए। तो मामा कल मैं की कराया सी, तो इनके कमेंट्स चेक करें इनके। नहीं मुझे डर नहीं है, मुझे डर है कि आप लोग नजर लगा देंगे मुझे। जय भाई जी, आप भी रोटी खाएं। और कोई सवाल है तो बताएं, वरना मैं फिर स्टार्ट करने लगूं। हम तो सर सुपरा देना चाहते हैं लेकिन सीए कंप्लीट ही नहीं हो रहा। जब तक सीए कंप्लीट होना है ना उस वक्त उस इनकम से चलिए होंडा 70 आनी है सिर्फ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑटम 21 अटेम्प्ट। अच्छा सवाल, देखते हैं इसको। रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम। आपने टोटल इनकम जो है वो बतानी है कितनी है, टैक्सेबल इनकम बतानी है कितनी है,
नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू अब्बास कितना है फॉर टैक्स ईयर 2023। ये तीन चीजें जो हैं वो हमने बता रही हैं। कहते हैं योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 12.707 मिलियन। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इस अमाउंट से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। इसने खुद कह दिया कि मिनिमम टैक्सेशन जो है वो हमने नहीं करनी, और तमाम रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस जो है वो हमने क्या करने हैं, वो हमने शो करनी है। इसने हमें क्या कर दिया है, खुद ही बता दिया है। ओके, अब सवाल मैंने पढ़ना है, और मैंने सवाल को मुझे पता चल जाना है कि कौन चीज एड बैक होनी है, कौन चीज लेस होनी है, वो मैं एडजस्टमेंट के ऊपर लिखता जाता हूँ। पेपर में भी अगर आप ये करेंगे, आप एडजस्टमेंट के ऊपर चीजों को लिखते जाएंगे, तो आपके लिए सेकंड टाइम चीजों को जो करना है वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। कहते जी अब्बास इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब्बास भाई जान जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है एंड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस कंज्यूमर गुड्स अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ कामयाब इंटरप्राइजेस। कामयाब इंटरप्राइजेस के नाम के तहत वो क्या कर रहे हैं, ये सामान सामान बेच रहे हैं बना के। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केस रिकॉर्ड फॉर टैक्स ईयर 30 जून 21। सॉरी, यहाँ पे 30 जून 23 आएगा। उसके लिए उसने ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बताई है। ये उसकी सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, जीपी है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसे हमें बता दिया। आगे है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स के हमने लेस किए हुए हैं। अब देखते हैं क्या कुछ हमने लेस करवा दिया हुआ है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए, उसके अगर हम बात करते हैं। कहते हैं जी अकाउंटिंग WDV है 1.2 मिलियन की, ये हमने लेस की है, तो ये तो ऐड बैक होनी है, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। टैक्स WDV ऑफ के फिक्स एसेट ऑन 1 जुलाई वर एज फॉलो। ओपनिंग एसेट्स की WDV जो है थी, ये प्लांट मशीनरी की थी, ये कंप्यूटर की थी, ये मोटर व्हीकल की जो पार्टली यूज चल रही थी, तो ठीक है इसको हम निकाल देंगे, रेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहते हैं एक न्यू कंप्यूटर परचेज किया आपने 1 अप्रैल 23 को 4 रुपीज 150। ये नया कंप्यूटर लिया है, इसके लिए हम इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे और बाद में इसको हम डेप्रिशिएट भी करेंगे। मोटर व्हीकल वॉज परचेज ऑन 15 जून 2021 एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन। आपने मोटर व्हीकल ली थी 1 मिलियन की, वो सोल्ड फॉर ₹7.5 लाख, वो 7.5 लाख रुपए की आपने बेच दी है। ऑन 31 मई कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट मोटर व्हीकल वॉज इक्वल टू सेल प्रोसीड। उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो सेल प्रोसीड के बराबर थी। वट डज इट मीन के आपने 7.5 लाख की बेची है, 7.5 लाख क्या थी उसकी बुक वैल्यू थी, उतने की बेच दी है। इसके ऊपर जो हम रेलिवेंट गेन होगा या लॉस होगा वो कैलकुलेट करवाएंगे, और क्योंकि ये व्हीकल जो है पार्टली यूज्ड है, तो यहाँ पे पार्टली यूज्ड का कंसेप्ट जो है वो होल्ड कर रहा होगा। डेप्रिसिएशन की ये एक मुश्किल एडजस्टमेंट है पास्ट पेपर्स की, इसको भी हम देख लेते हैं। कहते जी एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 पेड टू अ फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 30 मार्च 2023 एज एन एडवांस सैलरी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। उसको 40,000 हमने पे किया एडवांस सैलरी का, सिंस ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ द अमाउंट, उसको बहुत शिद्दत की जरूरत थी, बैंक क्लोज थे ड्यू टू पाकिस्तान डे, तो उसको हमने कैश में पे कर दिया। 25,000 तक की लिमिट जो है वो हम कैश में पे कर सकते हैं, हमने तो उसको 40 की लिमिट अमाउंट जो है वो कैश में पे कर दी है। और इसका अगर एग्रीगेट बैलेंस निकालें डेट बैलेंस विल ऑल्सो भी एक्सीडिंग 250, तो ये तो डिसअलाउ हो जाएगी, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, ये 40,000 जो कैश में पे हुआ है ये हमें एड बैक करना पड़ जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू केस बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च के उसने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। इट इंक्लूड सैलरीज ऑफ 8,80,000, 8,80,000 की सैलरीज है। सो साइंटिस्ट मटीरियल 2,30,000 रुपये का है, यूज इन रिसर्च एंड 7 लाख पेड टू अ कंपनी इन चाइना फॉर स्पॉटिंग के इज साइंटिस्ट इन रिसर्च वर्क। द एक्सपेंडिचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल एसेट, इनको इनटेंजिबल एसेट भी रिकॉर्ड नहीं किया, एज इट कुड नॉट प्रोवाइड एन एडवांटेज ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। इनका एडवांटेज जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो पाकिस्तान में पे होते हैं वो क्लेम हो सकते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर पे हुए हैं चाइना में वो तो क्लेम नहीं हो पाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे।
तो इसमें से 7 लाख जो है वो एडबैक हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो क्लेमेबल है। उसके बाद एन एक्सपेंस ऑफ ₹6,50,000 पेड एज एन इंस्टॉलमेंट टूवर्ड्स द परचेज प्राइस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट, प्लॉट की किस्त पे की है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, इसने एक्सपेंस आउट किया हुआ है, इसको हम एड बैक कर देंगे। उसके बाद यदि परचेज ऑफ गोट्स वर्थ ₹2,25,000, ₹2,25,000 के बकरे लिए हैं फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा बड़ी ईद के लिए, द पेमेंट वॉज मेड थ्रू क्रॉस चेक। अब ये बिजनेस एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा अलाउ, इसने लेस किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। फिर डोनेशंस 1 मिलियन की टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन 13 स्केड्यूल, ऑल डोनेशन वर मेड थ्रू क्रॉस चेक, तमाम डोनेशंस जो हैं वो क्रॉस चेक के जरिए की गई हैं। डोनेशन इसका तो रिबेट मिलता है, इसने एक्सपेंस आउट किया है, नहीं हो सकता क्लेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। बाद में इसका जाके हम क्या लेंगे, वहां पर जाके हम इसकी जो टैक्स क्रेडिट है वो ले रहे होंगे। कहते जी एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,00,000 पेड टू अ रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अब्बास एंड हिज डिपेंडेंट, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ये इग्नोर हो जाएगी। अदर इनकम की बात करें, एन अमाउंट ऑफ ₹7,20,000 रिसीव फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2020, दिस अमाउंट इंक्लूड एन एडिशनल पेमेंट ऑफ ₹80,000 ड्यू टू डिले इन रिफंड। इसने इनकम टैक्स रिफंड जो है वो इनकम में ऐड किया होगा, तो ये जो ऐड नहीं होना चाहिए, लेस करवा देंगे। 80,000 जो एडिशनल मिला है ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गया होगा, हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। कैपिटल गेन ₹4,30,000 का और ₹2,50,000 का ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एंड हिम्मत लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन 20 जून 2023, बोथ इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जून 2021। तो इसके ऊपर गेन आया है सेक्शन नंबर 37 का और सेक्शन नंबर 37A का, वो भी इसने अदर इनकम में शामिल किया, तो हम वहां से लेस करवा देंगे, जो कैपिटल गेन का पार्ट बनता है हम तो कैपिटल गेन में शो कर रहे होंगे। सो दैट वाज द क्वेश्चन, दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल से मैंने पूरा सवाल पढ़ा है, इस पूरे सवाल में एक्सेप्ट दिस एडजस्टमेंट जो सोचने वाली थी, बाकी कोई एडजस्टमेंट एफबीओ सोचने वाली नहीं है। अब मैं सवाल पढ़ लिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी सॉल्व होता है, कितनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। इसकी हमने निकालनी है, हमने अब्बास की इनकम निकालनी है, तो ले लेंगे जी अब्बास। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल फॉर टैक्स ईयर 2023। ये इसने हमें रिक्वायरमेंट दी है, हम दो कॉलम बना लेंगे और जो डाटा दिया है हम उसको उस डाटा में भी लेके जा सकते हैं और हम रुपीज इन मिलियन भी लेके जा सकते हैं। अब इसे डाटा ऊपर दिया हो तो हम रुपीज इन मिलियन नहीं चलते, हम वैसे टोटल जो डाटा है वो ले लेते हैं। एक चीज लगे पता कि इसमें कैपिटल गेन भी है और इसमें अदर सोर्स भी है और बिजनेस भी है, तो हम हेडिंग देते हैं बिजनेस की, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा, 1,27,07,000, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1,27,07,000 ये हमने लिख लेना है। अब इसमें एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो है वो हम क्या करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे, तो हम इसमें एड बैक कर लेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स जो हमें डिसअलाउड हैं, एडमिसिबल इनकम, और कुछ लाइनें छोड़ देंगे, यहाँ पे हम रेस्ट करवा लेंगे।
एडविजिबल एक्सपेंसेस। अब सवाल सारा हाईलाइटेड है, पढ़ता जाऊंगा लिखता जाऊंगा। उसने कह रही अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 12 लाख रुपए की है, तो हमेशा ऐड बैक होनी है, तो मैं लिख लूंगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.2 मिलियन की, ये हमारी ऐड बैक होनी है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये तमाम डाटा था डेप्रिसिएशन का, टैक्स वाली इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में डील कर, इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, इसको बाद में हम लेके चलते हैं। अच्छा, तो 40,000 पे किया है फैक्ट्री सुपरवाइजर को कैश में, 25,000 तक की पेमेंट जो है अलाउ होती है, तो जो सुपरवाइजर पेमेंट की गई है कैश में बिकॉज उसकी 40,000 पर मंथ है, तो 10-12 महीने की सैलरी जिसकी 4,80,000 बन रही है, और 2.5 लाख तक एग्रीगेट अकाउंट होना चाहिए ताकि, तो उसकी भी वॉल्यूशन है, तो 40,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद एडमिन सेलिंग में उसने ये साइंटिफिक रिसर्च किया, सैलरीज पाकिस्तान में पे की है, मटीरियल पाकिस्तान में पे किए, ये बिल्कुल ठीक है, ये अलाउ है, ये साइंटिफिक रिसर्च उसने की है पाकिस्तान में, उसके जो उसने सैलरीज और वो मटेरियल के पैसे पे किए हैं ये हमें अलाउ है, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। जो उसने चाइना में पेमेंट की है 7 लाख रुपए की, वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो इस क्या हो जाएगी, वो इसकी एड बैक हो जाएगी, पेमेंट टू चाइनीज कंपनी 7 लाख रुपए की, वो डिसअलाउड है, वो हम क्या करेंगे, इसकी इनकम में एड बैक कर देंगे, ये भी ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसने 6,50,000 का एक्सपेंस किया था प्लॉट के लिए, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लॉट जो पे किया है ये तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, इसे एक्सपेंस आउट किया है, लेस किया है, वो लेस नहीं होना चाहिए, ये 650,000 जो है ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। फिर बकरे नहीं है ईद के लिए, भाई बकरे कौन सा बिजनेस एक्सपेंस होता है, गोट फॉर ईद कितने के लिए है, 2,25,000 रुपये की, वो भी हम क्या कर देंगे, वो भी हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, ये भी हमने लिख ली यहाँ पे। उसके बाद डोनेशन 1 मिलियन की लेस की है, नहीं होनी, ये क्या होगा, इसके ऊपर हम रिबेट क्लेम करेंगे, तो हम यहाँ पर डोनेशन जो है उसने 1 मिलियन का एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, ये हमारी ऐड बैक हो गई। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसने हेल्थ इंश्योरेंस को पे किया है अब्बास और उसके डिपेंडेंट्स के लिए, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसकी पर्सनल फैमिली की है, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हो तो कभी भी आप बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस फैमिली के पे कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के, और बिजनेस में क्लेम करने जा रहा है, ये भी नहीं होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इसके एड बैक हो जाएंगे, इसकी इनकम में हम लेंगे। तो उसके बाद अदर इनकम में ये 7,20,000 शामिल है, तो ये लेस हो जाएगा टैक्स रिफंड्स, ये 7,20,000 जो है ये इसने इनकम शामिल किया हुआ है, इनकम में शामिल नहीं होना चाहिए था, ये हम 7,20,000 जो है वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। उसके अलावा कैपिटल गेन 4,30,000 और 2.5 लाख का, 4,30,000 और 2.5 कितना होगा, 6,80, ये भी इसने बिजनेस में शामिल किया हुआ है, वो बिजनेस में नहीं जाना बल्कि वो कहाँ जाना है, कैपिटल गेन्स में जाना है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 4,30 और जमा 250, 6,80,000 वो भी हम क्या कर देंगे, वो भी हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। तो सारा सवाल हो गया, तकरीबन सारा सवाल हो गया, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट रह गई है। अब मैं डिप्रिसिएशन की जस्ट में 2-3 जगह पे आ जाएगी, मैं वो जगह छोड़ के मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे सवाल को मजीद फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लूंगा इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इसको एडिशनल रिफंड ला है, लेट रिफंड यहाँ पे 80,000 का बताया है, ये भी हम क्या कर लेंगे, हम इसके यहाँ पे इनकम में लिख लेंगे 80,000 का, इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ रही है, अंडर सेक्शन 37 की, अंडर सेक्शन 37A की। अब पहली वाला 4,30,37 में से 2.5 लाख जो है वो 37A में से हम मिलेंगे जी, 4,30
और ये जो है इसका 2.5 लाख है, 6,80,000 इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मैंने करनी है और मेरा क्या होना जवाब जो है वो सॉल्यूशन है। अब जस्ट डेप्रिसिएशन, तो आई थिंक इट हार्डली टुक 10 मिनट्स, 10 मिनट में हमने सारे सारा सवाल जो है वो हमने कर लिया, हमने देख लिया कि इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व था और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व नहीं था, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की हम वर्किंग कर लेते हैं। अब इस डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी बड़ी सिंपल है, कंप्यूटर उसकी जो रिलेटेड आइटम्स हैं वो भी क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ मसला किसका है, मसला आ रहा है व्हीकल्स का, उन व्हीकल्स के ऊपर हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है। तो हम वर्किंग बनाते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। देखिए प्लांट मशीनरी हमारे पास कितना था, प्लांट एंड मशीनरी का मेरे पास बैलेंस था 6,860,000। रेट हमारे पास जो है वो 15% है, हम इसका 15% लेंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की, कितनी बनेगी, वन जीरो टू नाइन ट्रिपल जीरो। ये आ जाएगी इसकी डिप्रिसिएशन। फिर कंप्यूटर पड़ा होगा 8 लाख का, कंप्यूटर 8 लाख का एग्जिटिंग आ रहा है, इसका हम 30% लेंगे बिकॉज कंप्यूटर आइटम्स का रेट जो है वो 30% होता है, 8 लाख का 30% लेंगे तो ये 2,40,000 जो है वो इसकी डिप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर एक नया कंप्यूटर लिया है, उस न्यू कंप्यूटर के ऊपर अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, इनिशियल अलाउंस लेंगे 25% और बाद में उसकी डिप्रिसिएशन। नया कंप्यूटर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख का इनिशियल अलाउंस सबसे पहले लिया रहेगा, 1.5 लाख का हम 25% लेंगे, वो कितना बनेगा, 1.5 लाख का 25%, 1.5 लाख का 25% 37,500, 37,500 आ जाएगा इसका इनिशियल अलाउंस। फिर हम इस न्यू कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन ले लेंगे, वो बनेगी 1.5 लाख लेस 37,500, जो जवाब आएगा उसका हम लेंगे 30%, ये कितना बनेगा, 3,750। इसका सम करें, डेफिसिट कितनी आएगी, ये डेप्रिसिएशन आ गई है अदर देन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल जो कि पार्टली यूज है उसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो आई है जी 1,340,250, ये डेप्रिसिएशन आ गई है। तो मुझे पता है ये, मैं अभी फौरन लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन
अदर देन व्हीकल। 1340250, ये तो मैंने लिख ली फौरी तौर पर। अब मोटर व्हीकल चूंकि डिस्पोजल है और वो मुश्किल भी था, अब मैं उसको देखता हूँ। उसने कहा है कि मोटर व्हीकल मेरे पास जो है थी ओपनिंग दैट वाज फॉर 3 मिलियन। इस साल उसने जो मीटर मोटर व्हीकल डिस्पोज ऑफ कर दी है वो उसने 7.5 लाख वाली जो है थी वो उसने बीच में से निकाल दी है। ओके ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने उस मोटर व्हीकल की जो अलाउड डेप्रिसिएशन है वो हमने क्या करनी है, इसमें से लेस करवानी है। कितनी मोटर व्हीकल की डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लेम कर रहे होंगे। अब इसने मोटर व्हीकल ली थी, हम 7.5 लाख की, और ये इसने ली थी 15 जून 21 को। इसका हम कॉलम बना लेते हैं व्हीकल का। 100% यूज, 80% यूज और 20% यूज, ये मैंने आपको बताया। अब हमें नहीं पता कि ये जो 3 मिलियन है ये कितने परसेंट को शो कर रही है, इसके बारे में हमें कोई किसी किस्म की बात जो है वो नहीं पता। ऐसे ही लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि ये जो व्हीकल की वैल्यू उसने गिवन की हुई है ये 80% को है, तो इसको हम ग्रॉस अप कर सकते हैं। सिमिलरली जो इसने यहाँ पे हमें व्हीकल बताई होगी जिसको, अच्छा उसने हमें व्हीकल की सॉरी कॉस्ट बताई हुई है कि व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, 1 मिलियन, सॉरी माई बैड, उसने व्हीकल कितने की ली थी, 1 मिलियन की ली थी, हमें कॉस्ट पता है 1 मिलियन व्हीकल की कॉस्ट थी। और टैक्स कब लिया इसने, टैक्स ईयर 21 में ली है, तो हम इसकी 21 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे, हम इसकी 22 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे। अब रेट जो है व्हीकल का वो कितना है, 15% है, तो 21 में जब हमने इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट की होगी तो 15% के लिहाज से कितनी आई होगी, 1.5 लाख आई होगी। और इसकी भी बुक वैल्यू कितनी बनती होगी 21 के एंड के ऊपर, 8.5 लाख बनती होगी। अब ईयर 2 में भी हमने डेप्रिशिएट किया होगा, हमने 8,50,000 का क्या किया होगा, हमने 15% लिया होगा, वो कितना बनेगा, 8,50,000 का 15% 85, ये बनेगा 1,27,500। कितनी WDV आएगी, WDV कितनी आएगी, सेवन डबल टू 5,00। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास WDV बन रही है इसकी। अब इसकी डिप्रिसिएशन को जरा प्रोपोर्शनेट भी तो कर लें, कितनी बनती है, 1.5 लाख का 80% कितना बनेगा,
1 लाख, 20 हजार ये बिजनेस में अलाउ होगी और 30 हजार क्या हुई होगी, डिसअलाउड हुई होगी। ऐसे ही है। फिर 1,27,500 का 80% क्या बनता होगा, 1,02,000, और डिसअलाउड कितनी हुई होगी, 25,500। ये डेप्रिसिएशन जो है वो डिसअलाउड है। इसका मतलब अलाउ कितनी हुई है हमें, 2,24,000, ये हमें बिजनेस में अलाउड हुई होगी, और जो हमें डिस अलाउ हुई होगी दैट इज 55,500। ऐसे ही है। अब ये मुझे लग गया ना, पता टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मेरे लिए जिंदगी आसान है, क्योंकि मुझे डिसअलाउड डेप्रिसिएशन जो है वो डिस्पोजल में क्या करनी होती है, एड बैक करनी होती है। अब इससे मुझे कहा था कि ये जो हमने व्हीकल बेची है, ये हमने WDV बेच दी है, WDV 7.5 लाख की बुक वैल्यू थी, हमने उसके ऊपर ये क्या कर ली है, इसको बेच दी है, तो हम ले लेंगे सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कितनी आई है, सेल प्रोसीड्स इसकी आई थी 7,50,000, जो उसने 7.5 लाख क्या की है, उसने हमें गिवन की है, ये हमारे पास क्या आ गई है, सेल प्रोसीड्स आ गई है। इसमें से हम लेस करेंगे WDV। अब टोटल WDV हमने भी 100 100 कॉलम पे निकलवाई हुई थी, दैट वो 7,225,000। उसके बाद हम जो डिस अलाउड डेप्रिसिएशन है, ये जो हमने यहाँ पे निकाली है, वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, 55,500। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें आ जाएगा गेन आया है या लॉस आया है, ये क्या होगा, ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, 28,000 रुपये का ये हमें लॉस आया होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये टेबल बड़ा जादुई है, इस टेबल में कॉलम्स बनाए, डिसअलाउड डेप्रिसिएशन निकालें और उसे क्या करें, लेस करके अपना गेन या लॉस कैलकुलेट कर लें। हमें क्या क्या पता भाई, ये लॉस आ रहा है। अब व्हीकल की डेप्रिसिएशन मुझे निकालनी है, ओपनिंग व्हीकल हमारे 3 मिलियन की थी, जो डिस्पोज ऑफ की है उसकी साल के पहले ओपनिंग बुक वैल्यू जो है थी वो 7,22,500 थी, ये हम इसको माइनस करेंगे, इसका 15% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 100% डेप्रिसिएशन। लेकिन ये व्हीकल इस्तेमाल हो रही है 80% बिजनेस यूज के लिए, वही हमें अलाउ होनी चाहिए, तो हम इसका 15 का 18% लेंगे, 80% लेंगे, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी व्हीकल की, और वो कितनी बन रही होगी, 2,73,300। तो ये मेरी मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई, 2,73,300 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, 2,73,300। और लॉस ऑन डिस्पोजल भी तो हमने निकाला है, वो भी हम क्या कर लेंगे, वो भी हम यहाँ पर लेस करवा लेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल भी हमारा 28,000 रुपये का आया है, वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करवा देंगे। तो ये भी एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अब हमारी सारी जो है लेस हो गई है, अब हम इन्हें जमा करते हैं, एड बैक करते हैं और लेस करते हैं, हमारे पास इसकी जो इनकम है वो कंप्लीट आ जाएगी। तो इनका सम करें कितना बनेगा, फोर 0,15,000, ये एड बैक हो जाएगा, लेस कितना होगा,
3041550। सो 12707000 प्लस 4015000 लेस 3014550। तो यहाँ पे इसकी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है कितनी बनती है, वन थ्री सिक्स एट जीरो फोर फाइव जीरो। ओके 1360450। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। अब इसमें अदर सोर्स की कैपिटल गेन की इनकम जमा कर लेते हैं तो इसके पास आ जाएगी टोटल इनकम 13680450 जमा 80 जमा 680, डैट विल बी 1440450। इसकी टोटल इनकम है, इसमें से हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम लेस करवा देंगे। इसमें से हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम लेस कर देंगे जो 2.5 लाख की थी, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर 1414904,50,000। ये आ गई है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेशन जो है वो हमारी कर लेंगे। अब दोन सैलरीड है, इनकम इसकी 1.4 मिलियन की है, तो आप इसके ऊपर स्लैब लगाएंगे तो आखिरी स्लैब में फॉल करेगा 1330, और एक्सीडिंग अमाउंट का हम ले रहे होंगे 35%। जिसमें स्लैब फॉल करेगा वो होगा जी 1419050। लास्ट स्लैब है नॉन सैलरीड का 6 मिलियन, इस पे जो फिक्स अमाउंट आएगी डेट विल बी 1330000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है इसकी, यहाँ से एक्सीडिंग अमाउंट कितनी बनती है उसका हमने 35% लेना है। एट वन नाइन जीरो फोर फाइव जीरो एट वन नाइन जीरो फोर फाइव जीरो इसका 35% कितना बनेगा, टू एट सिक्स सिक्स
6 5 8, इसको जमा कर लें, इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही कितनी बनती है, फोर वन नाइन डबल सिक्स फाइव एट। ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, जिसने डोनेशन की थी उसके ऊपर क्या मिलेगा, इसको टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा। फॉर्मूला होगा 4196658 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 1490450। और 1 मिलियन की डोनेशन थी, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका टैक्स रिबेट आ जाएगा, कितना बन रहा होगा 295738। ये आपका टैक्स रिबेट जो है वो आ जाएगा, इसमें से 295738 लेस करेंगे क्या जवाब आएगा, थ्री नाइन जीरो जीरो नाइन टू जीरो। इसमें हम ऐड कर देंगे कैपिटल गेन का टैक्स, वो 2.5 लाख का हमने गेन कमाया था, सिक्योरिटी 1 जुलाई 2022 से पहले ली थी, 12.5% के हिसाब से हम इसका टैक्स निकाल लेंगे और बनेगा 31,250। तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये होगा 3932170। ये है इसका टैक्स पेबल। इतना टैक्स जो है वो क्या कर रहा होगा, ये भाई साहब जो है वो पे कर रहा होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने क्या किया है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो अनदर क्वेश्चन ऑटम 21 के 10 का, जो डेट वाज अ गुड क्वेश्चन जो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पर देखा है। जी जनाब ये क्लियर है सवाल, ये सवाल मुश्किल था सवाल एडजस्टमेंट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेंडेट अंडर कंप्यूट टोटल इनकम, आपने बतानी है कि टोटल इनकम कितनी है, टैक्स पेबल कितना है और रिफंडेबल कितना है वो। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 2468000। मिनिमम टैक्स इग्नोर करना है, तमाम रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस जो हैं वो हमने शो करनी है। इसने बताया स्प्रिंग किसका सवाल है, ये 19 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1.8 से मल्टीप्लाई करें, अराउंड 34 मिनट्स चाहें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। और देखिए सवाल मुश्किल है इसी है। इधर ही मोहम्मद असगर ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ असगर एंड कंपनी विच इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो मार्केटिंग वगैरह जो है वो 10% ऑफ टर्नओवर तक क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। चीज़ याद रखनी, टर्नओवर इसका है 3 to 4850। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंस है 1975000 के। अब मार्केटिंग एक्सपेंस कितने अलाउ हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ टर्नओवर की हद तक ही अलाउ हैं। देखते हैं अगर उससे ज्यादा हुए तो एड बैक हो देंगे, अगर उतने तक हुए तो फिर हम इसको कोई ट्रीट नहीं करवा रहे होंगे बिकॉज लेस सही हुए। अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इधर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी बात कर रहा है। रॉ मटेरियल 78 लाख रुपए का, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो हमें पता है अगर रॉ मटेरियल टैक्स नहीं कटेगा तो 20% क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ये भी एड बैक हो जानी है। ये जो है प्रोविजन, ये भी हमारी क्या होनी है, ये तीनों चीजें जो है इस तरह से एड बैक हो रही होंगी। उसके बाद है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की, 6,76,500 पेड टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। एम्प्लॉयज की इंटरटेनमेंट पे जो खर्चे वगैरह होते हैं, हमने इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा कि अलाउड होते हैं, ये क्लेम हो जाएंगे। ₹1,235,000 पेनल्टी टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ बैच ऑफ वैक्सीन। लेबोरेटरी टेस्ट एंड इन हाउस इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन द वैक्सीनेशन एक्सीडेड द एक्सेप्टेबल लेवल एज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बिजनेस पेनल्टी है ना, तो ये बिजनेस पेनल्टीज जो हैं ये इसको अलाउ होंगी, ये क्लेम कर सकेगा, तो इसको एडबैक करने की जरूरत नहीं है। 23 लाख की डोनेशन पे की है, डोनेशन रिबेट मिलेगा, जिसने लेस की है ये हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। पढ़ते हुए अगर मैं सामने मेंशन कर रहा हूँ तो ये तो सवाल में आता था, यहाँ पे सॉल्व हो गया। मार्केटिंग एक्सपेंस ये जो है, इस मार्केटिंग एक्सपेंस में आपने रिवॉर्ड दिया 5 लाख रुपए का, इन द रिवॉर्ड वॉज पेड इन कैश, कैश में दिया है, तो ये तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड है, ये हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। फिर अदर इनकम की बात करते हैं। अदर इनकम में डिविडेंड शामिल है 1,74 का, लिस्टेड कंपनी से मिला था, डिडक्शन इनकम टैक्स के बंधन पे हुई थी और 30,000 की जकात जो है वो हमने क्या की हुई थी, वो हमने डिडक्ट की हुई थी। तो डिविडेंड जो है जिसने ऐड किया हुआ है हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे, और बाद में जाके हम डिविडेंड को FDR में सेपरेटली डिक्लेयर कर रहे होंगे। फिर गेन 6,60,000 रुपये का, सिक्योरिटीज ऑफ आकाश प्राइवेट लिमिटेड इन नवंबर 2001, 60% ऑफ द शेयर्स इन APL आर ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और उसने ये शेयर्स परचेज किए थे जून 2010 में, और ये शेयर चूंकि फेडरल गवर्नमेंट कंपनी ओन कर रही है तो ये अंडर सेक्शन 37A का पार्ट बन रहे होंगे, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन में अ सेकंड हैंड प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम अ फ्रांस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25 लाख विद होल्डिंग टैक्स था 1.5 लाख का, वो इंपोर्ट पे कट गया। द इंप्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, एसी इनकर्ड 375 ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट व्हिच इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो कैपिटलाइज होने चाहिए, इसने एक्सपेंस आउट किया है तो ये हम क्या कर देंगे, इसको हम एड बैक कर देंगे 375 का, और प्लांट की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी हमारे पास उसके ऊपर हम क्या लेंगे, उसके ऊपर हम फिर उसका जो इनिशियल अमाउंट है
वो हम ले रहे होंगे और बाद में उसकी हम भी डेप्रिसिएशन जो है वो भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वर चार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउएवर फॉर टैक्स पर्पस इट हैज टू बी अमोर्टाइज। ये इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किए हुए हैं सॉरी, ये टैक्स ईयर 2000 में क्या हुए थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चार्ज हुए थे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे। टैक्स डिप्रिसिएशन प्लान के अलावा 1.9 मिलियन किया है, इनकम टैक्स कस्टमर्स ने जो डिडक्ट किया हुआ 14 लाख है, और एडवांस इनकम टैक्स इतना पे हुआ है, इसके हमने सवाल जो है सॉल्व करना है। तो ये सवाल डूएबल क्वेश्चन है, आई डोंट कंसीडर इट लाइक एज सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? इसका मैं सॉल्व करवा देता हूँ प्रॉपरली। नाम है इसका जी मोहम्मद असगर, रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर टैक्स ईयर X2। ये हमने क्या करना है, इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो इसकी इनकम हम बिजनेस बन रही है, और इसकी इनकम हम अदर सोर्स में FTR की इनकम बन रही है, और उसकी कैपिटल गेन की, ये तीन इनकम जो है वो इसकी बन रही है, और वो सेपरेट ब्लॉक की इनकम है। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक कॉलम ये बना देगा, दूसरा कॉलम ये आ जाएगा। स्टार्ट हम कर लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस से, इनकम फ्रॉम बिजनेस से हम इसको लेके चल रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, प्रॉफिट है जी 2468000 हम लिख लेंगे, 2468000। अब इसमें अब तमाम एडजस्टमेंट जो पढ़ते हुए लिखी थी मैंने, हाईलाइट की थी, अब वो करूंगा सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। ऐड हम कर देंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स, ये ऐड बैक करते हैं। सवाल पढ़ते हुए लिख लिया था कि यार ये चीजें जो हैं ऐड बैक होनी है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसका 20% हम क्या कर देंगे, हम ऐड बैक कर देंगे। रॉ मटेरियल कितने का लिया था, दैट वो 7.8 मिलियन का, और टैक्स विद हेल्ड नहीं किया था, तो 20% जो है वो हमें डिसअलाउड हो जाएगा। 7.8 मिलियन का 20% कितना बनेगा, दैट विल बी 1560000। ये हम क्या कर देंगे, ये हम ऐड बैक कर देंगे। तो उसके बाद अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 21 लाख की ये भी ऐड बैक हो जाएगी, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंटरी 8 लाख की ये भी ऐड बैक हो जाएगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है 21 लाख की ये भी हम ऐड बैक कर देंगे, और जो हमने स्लो मूविंग स्टॉक के लिए जो हमने प्रोविजन क्रिएट की थी 18 लाख रुपए की, वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे।
अब सवाल अच्छी तरह पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगर दूसरी दफा सवाल रीड नहीं करना पड़ रहा, पेपर्स पे एडजस्टमेंट मैंने मार्क की हुई है। प्रीता जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में होटल की है वो ईद गिवन पार्टी एम्प्लॉयज के लिए है, तो वो जो एज अ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ होगा एम्प्लॉयज की, तो ये इससे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। फिर पेनल्टी पे की है, वॉलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमें अलाउ होती है, इसको भी हम ऐड बैक नहीं करेंगे, बट शो तो करना है, पेनल्टी हमने यहाँ पे लिख के ये भी कर दी है। उसके बाद डोनेशन है, ये 23 लाख जो है वो क्या होना है, हमारा ऐड बैक होना है, इस 23 लाख को हम ऐड बैक कर रहे होंगे। तो डोनेशन जो है 23 लाख रुपए की, वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, तो ये भी हमारी ऐड बैक हो गई है। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस है 5 लाख रुपए के, कैश में पे किए हैं, ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो मार्केटिंग एक्सपेंस 5 लाख के कैश में पे किए गए हैं, इस अलावा है ऐड बैक हो जाएंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जब हम पढ़ रहा था तो इसने इंस्टॉलेशन चार्जेस 3 चित्र के पे किए हैं और वो एक्सपेंस आउट किए हुए, वो नहीं होने चाहिए थे, वो कैपिटलाइज होने चाहिए थे। जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जो 3,75,000 की इसने पे की है, ये भी मुझे क्या कर देनी चाहिए, यहाँ पे ऐड बैक कर देनी चाहिए, तो मैंने ये भी ऐड बैक कर दी। सवाल तो मुक गया। अच्छा, उसके बाद अदर इनकम में शामिल किया हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे लेस करवा देता हूँ। फिर एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स जो हम अलाउ हैं, या एडमिसिबल इनएडमिसिबल इनकम जो हमने नहीं होनी चाहिए, एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स या इन एडमिसिबल इनकम। अब इसने प्रॉफिट्स में ये डिविडेंड 1.74 का और जो शेयर्स हैं इसने ऐड किए हुए हैं, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए थे, तो 1.74 का डिविडेंड और 6,60,000 की इनकम जो है वो तो मैं लेस करूंगा। डिविडेंड कितने का था, 1,74,000 का था, और क्या था, गेन ऑन शेयर्स, गेन ऑन शेयर्स जो है 6,60,000 रुपए का, वो भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेस करवा दूंगा, बिकॉज दोनों जो है किसका पार्ट बन रही है, दोनों पार्ट बन रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, ये भी हम हो गया ट्रीटमेंट, इसका जाके वहां पे भी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टैक्स डिप्रिसिएशन थी 19 लाख की, ये क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तो हम वो भी ले जाएंगे। टैक्स डिप्रिसिएशन 19 लाख रुपए की, वो हमने यहाँ पर लिस्ट करवा दी, वो भी हम अभी लिख लेते हैं, ये भी आ गई हमारे पास। उसके बाद यहाँ चलते हैं, अब इसको देखते हैं। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 34 लाख के थे, ये 5 सालों पे अमोर्टाइज होने थे, तो इसकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पे लिस्ट करवानी है। 34 लाख का 5 साल में 20% लेंगे, कितना आएगा, 6,80,000, तो ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स 34 लाख के हुए थे और ये 2010 में हुए थे, हम 2012 में हैं, तो इसका हम 20% लेंगे इस साल, तो सिर्फ एक्सपेंस आउट ही करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 6,80,000, ये भी हम क्या करवा लेंगे, यहाँ पे हम क्लेम करवा लेंगे, ये भी हो गया। अब जो हमने प्लांट लिया है सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट रह गई है, तो 25 लाख का प्लांट लिया हमने, 25 लाख का प्लांट लिया और इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर हुई है 3,75,000 की, ये हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर हुई है, तो ये हमारी कॉस्ट पड़ी है 2,875,000, ये हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई है जो हमने प्लांट इंपोर्ट की है। इसके ऊपर हम सबसे पहले क्या लेंगे, इनिशियल अलाउंस लेंगे और वो 25% आएगा, 2,875,000 का 25% कितना बनेगा, 7,18,750, 7,18,750 ही बनता है ना, तो इनिशियल अलाउंस आ जाएगा 7,18,750, इनिशियल अलाउंस आ जाएगा, इनिशियल अलाउंस 7,18,750,
अब इसी की हम डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे, हमें पड़ा था ये 2,8,750, सॉरी कितने का पड़ा था, 2,8,750, ठीक है 2,8,750, इसमें से हम लेस करवा देंगे इनिशियल अलाउंस 718,750, और इसके ऊपर हम 15% लेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो कितनी बनेगी 324,438। यही बनती है डेप्रिसिएशन। इसके अलावा तो आप कोई नहीं है, एडजस्टमेंट यही है सारी, ये सवाल खत्म भी हो गए, इसमें तो कुछ है नहीं था। तो जितनी एडबैक होनी है इनका जमा सम करने क्या बनता है, 8,635,000। ये हमारा एडबैक हो जाएगा, जो लेस होनी है इसका जमा करें, ये बनेगा 4,4,5,6,1,8, तो 2,4,6,8,000 प्लस 8,635,000 लेस 4,4,5,6,1,8, इसकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी वो कितनी होगी, 6,6,4,6,8,12, जीएसटी क्या बन जाएगी, जीएसटी इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाएगी। इसके बाद जो बाकी इनकम है वो भी हम लिख लेते हैं, इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है वो सेपरेट ब्लॉक की बन रही थी अंडर सेक्शन 37A की, बिकॉज 60% सिक्योरिटीज फेडरल गवर्नमेंट के पास है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बन रही है, और वो इसने हमें गेन ही बताया हुआ है 6,60,000 रुपए का, तो हम वो यहाँ पर लिख लेंगे कि 6,60,000 का गेन था। फिर इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसमें डिविडेंड था, अब डिविडेंड हमें नेट दिया गया है, हमने इसे ग्रॉस अप करना है, 1,74,000 का इसको डिविडेंड रिसीव हुआ था, उसमें से 30,000 की इसकी ज़कात डिडक्ट हुई थी, तो इसको कहा जी आपका डिविडेंड जो है वो 2,04,000 है, और ये नेट ऑफ टैक्स था 15%, इसको 0.85 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ग्रोस अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ जाएगी, कितनी बन रही है जो इसकी एक्चुअल में इनकम है, डैट विल बी 2,40,000। आप इसको जमा करेंगे तो यहाँ पे इसकी टोटल इनकम आ जाएगी, कुल आमदनी टोटल इनकम कितनी बनती है
वो हम बताएंगे। तो ये 6 6 4 और ये बन जाएगी इसकी 7 5 4 6 8 1 2। ये इसकी क्या कहलाएगी, टोटल इनकम कहला रही होगी। अब इस टोटल इनकम में से हम लेस करवाते हैं सेपरेट ब्लॉक की इनकम, वो है इसकी 6,60,000। फिर हम लेस करवा देंगे एफटीआर की इनकम, वो है 2,40,000। आप इसको लेस करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम, सॉरी टोटल इनकम अंडर एनटीआर। खाली एनटीआर की इनकम है इसकी 6,64,6,812। इसमें से जकात जो है वो हम लेस करवा लेंगे, बीइंग आर डिडक्टेबल अलाउंस 30,000 की जकात, इसके पास आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। सिक्स सिक्स वन सिक्स 8,12, ये इसके टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ जाएगी। तो ये भी आ गई। अब इसके आप टैक्सेशन भी कर सकते हैं, कितने बनते हैं कितने नहीं बनते। तो अब यहाँ पे ले जाए टैक्सेशन 6,61,6,812, इस पे स्लैब लगना है 6 मिलियन वाला। फिक्स आएगा इसका जो टैक्स बन रहा है 13,30,000, एक्सीडिंग अमाउंट है 6,16,812। इसका हम लेंगे 35% और ये बन जाएगा 215,884। इसको जमा कर लेंगे, ये बनेगा 1,545,884। ये इसकी कहलाएगी टैक्स लाइबिलिटी, ये भाईजान की टैक्स लाइबिलिटी अंडर एनटीआर। इसमें से हम लेस करवाएंगे इसका टैक्स क्रेडिट, जो इसने डोनेशन की जो हमने ऐड बैक की थी 23 लाख की, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट। अब वो होगा 1,545,884, डिवाइड करेंगे इनकम पे, दैट इज 6,61,6,812। और डोनेशन हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब एक्चुअल अमाउंट जो इसने डोनेट की थी वो 23 लाख थी, जो एक्चुअल इसने अमाउंट डोनेट की थी वो 23 लाख थी, और टैक्सेबल इनकम का 30% कितना आएगा, 6,61,6,812, इसका 30% कितना आता है, 1,985,043। तो हम तो यहाँ पे लोअर ऑफ लेंगे 1,985,043, बिकॉज रूल था एक्चुअल जो था 23 लाख और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो वो 1,985,043 बनता है। वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिबेट आ जाएगा, कितना बनेगा रिबेट, फोर सिक्स थ्री सेवन सिक्स फाइव, यही बनता है रिबेट। तो ये रिबेट हम लेस करवा देंगे तो मेरे पास इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही होगी 1,082,119, ये इसकी आ जाएगी। फिर इसका टैक्स ऐड करेंगे एफटीआर का, वेफ्टियर की इनकम हमारी ग्रॉस इनकम कितनी थी,
2,40,000, 2,40,000 का 15% लेंगे, कितना बनेगा? 31,000, ये भी बीच में ऐड हो जाएगा। फिर इसका सेपरेट ब्लॉक का टैक्स आया था, गेन था इसका 6,60,000 का, और चूंकि यकीन लाई 2012 से पहले परचेज किया गया था तो हम इसका 12.5% लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 82,500 इसका गेन आ जाएगा, तो उसका टोटल टैक्स बनेगा 1,20,061। लेस करवा देंगे तमाम विद होल्डिंग टैक्सेस जो इसके पे हैं, एक इसने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, एक इसका विद होल्डिंग है, डिविडेंड से कटा हुआ है और इम्पोर्ट पे कटा हुआ है, इसके टैक्सेस वगैरह सारे कटे हुए हैं यहाँ पे 14 लाख ये कटे हैं, और 2 लाख इसका ये कटे हैं, 16 लाख ये बन रहे हैं। इम्पोर्ट के ऊपर यहाँ पे इसका 1.5 लाख कटा था, ये है 1.5 लाख इसका कटा है इम्पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे इसने एडवांस टैक्स कितना पे किए? ठीक है, 14 और 2, 16, डिविडेंड के ऊपर 36,000 रुपये, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, तो ये तमाम टैक्सेस जो है हम इसमें से लेस करवा देंगे, इसके एडवांस टैक्सेस वगैरह पे हुए हैं जितने भी थे, डिविडेंड के ऊपर 36,000 था, इम्पोर्ट के ऊपर इसका 1.5 लाख था, वैसे कस्टमर्स ने काटा इसका 14 लाख, और जो इसका विदहेल्ड है एडवांस टैक्स वो 2 लाख है। इन सबको जमा करें कितना बनता है? चौदह और 2, 16, 17,500, 17,50 और 36, 36,000 जमा 1.5 लाख जमा 14 लाख जमा 2 मिलियन, कितना बनता है? सेवन 8,600। लेस करवा लें, आपके पास टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा, इतना बनता है रिफंड। फाइव 8 5 3 8 1, 5, ये इसे क्या मिलना है? रिफंड मिल जाना है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से मुश्किल तो ये बिल्कुल भी नहीं था, स्प्रिंग 2021 का शुरुआत। जी जनाब, आगे चले। अब आगे स्प्रिंग 20 का सवाल है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, मैं इस सवाल को मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट फिगर आउट कर देता हूँ,
और मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्या कुछ करने वाला है और क्या कुछ नहीं करने वाला। बाकी चीज़ें जो है अब आपको करवा दी हुई हैं, आपको चीज़ें बता दी हैं कैसे ऐड बैक हो रही हैं, कैसे लेस हो रही हैं, रूल्स पढ़ के कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन चीज़ कैसे लेके चलनी है, सारा कुछ आपको बता दी है। नाउ अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं रीड आउट कर देता हूँ और इनके एडजस्टमेंट जो है वो बता दूंगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। एंड आई गेस दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू फर्दर। बिजनेस के न्यूमेरिकल तब तो आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर, कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू शाहिद फॉर टैक्स ईयर 2020। आप लोग पता कितना टैक्स पेबल या रिफंडेबल है शाहिद को। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करनी है, प्रॉफिट बिफोर डिगर से टैक्स स्टार्ट करना है, मिनिमम टैक्स इग्नोर, तमाम एग्जेम्पशंस वगैरह आपने शो करनी है। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त, ठीक है। शाहिद इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाइंग ऑफ ऑटो पार्ट्स, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज इनकम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर टैक्स ईयर 2020। यस, किसने हमें डाटा बताया है, सेल्स हैं, जीपी है, ओपी है, सॉरी सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिर जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने जिस अमाउंट से स्टार्ट करना है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। कहते हैं द अबव अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, आप इनको कैश बेसिस से प्रिपेयर कर रहे थे, स्टॉक एंड ट्रेड जो है था वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होता था, अब आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर दिया, आप कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे चले गए हैं, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन की गई है। हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग बैलेंस की हमने एडजस्टमेंट करनी है, पहले क्लोजिंग बैलेंस जो है था आपका यहाँ पे था, अब आपको चला गया यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आपको रट्टा लगवाया था, मतलब रिटर्न करूँ आपको शॉर्ट टर्म बताई थी, इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहेगा, जितने इजाफा हो रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस में से वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो जितने से इजाफा है वो प्रॉफिट में अब क्या कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसकी बात कर रहा है, इसमें पैकेजिंग फ्री लिया आपने 40,000 रुपए का, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो पैकेजिंग मटीरियल इन्वेंट्री में जाना है, टैक्स नहीं काटा, तो क्या लेंगे, इसका 20% लेंगे और वापस क्या कर दिया जाएगा, इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। फ्रेट पे किया 85,000 रुपए का, इन कैश पे किया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड फ्रॉम सप्लायर, तो ये तो अलाउ है, इसकी तो सही पेमेंट हुआ है, ये तो ऐड बैक नहीं होगा, इसका तो कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, ये इसने गिवन किए हैं, इसकी सैलरी 80,000 पर मंथ तो शाहिद ब्रदर हु हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द बिजनेस, शाहिद के भाई को पे किया है जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हर कर, तो सही पे किया है ना, वो तो वर्कर है उसको सही पे किया है, किसी चीज की वॉयलेशन नहीं हुई, तो इसका भी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, नथिंग विल बी एडेड बैक। एक्सपेंडिचर ऑफ 9,50,000 इनकम ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 5 ईयर्स। अब देखें ये तो इनटेंजिबल्स पे जा रहे हैं, 5 साल तक आपको क्या मिलना है, आपको उसका बेनिफिट मिलना है, इससे लेस किया हुआ है, तो ये हम क्या कर देंगे, ये 950 जो है ये हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, वापस प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि 5 साल के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो 950 डिवाइड करेंगे 5 को, जो जवाब आएगा हम क्या कर देंगे उसको, हम यहाँ पे उसकी मोटिवेशन चार्ज कर रहे होंगे। फिर पेनल्टी 15,000 रुपये की, ये भी डिसअलाउ हो जाएगी, तो ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। मुश्किल है, मेरे ख्याल से अब ये मुश्किल नहीं है, जितने मुश्किल सवाल थे वो मैंने डिटेल्ड फॉर्मेट के साथ करवाए हैं, उनके अलावा मुश्किल सवाल कोई नहीं है, अभी सारे एडजस्टमेंट जो है इजी है। यदि फाइनेंशियल चार्जेस में प्रॉफिट ऑन डेट शामिल है 6.5 लाख, 4.5 लाख का जो आपने फिक्स अकाउंट जो मेंटेन किया है बैंक में उसके ऊपर अर्न किया है, बैंक ने इनकम टैक्स 45,000 रुपये का और ज़कात 93,785 काटी है। अब हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है हम अगर क्लेम करते हैं हमें मिलता है और 5 मिलियन से कम है तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, इसने बैंक में इसने अपनी अदर इनकम में ऐड किया हुआ है, तो ये हम 6.5 4.5 लाख क्या करेंगे, हम इस 4.5 लाख को लेस करवा देंगे, जो ज़कात है उसको हम जाके अदर डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्लेम कर देंगे, और चूंकि ये प्रॉफिट ऑन डेट होगा तो ग्रॉस इनकम के ऊपर 15% के हिसाब से इसका टैक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये भी एडजस्टमेंट इजी टू हुए, भले इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है।
फिर अदर इनकम में कहता है कैपिटल गेन 45,000 रुपये का शामिल है नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, जिसमें से इतना टैक्स आपने विदहेल्ड किया। अब कैपिटल गेन है ये 45,000, तो हम बीच में से फौरी तौर पर क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। इसने इनकम में ऐड किया हुआ है, हम क्या करवा देंगे, फौरी तौर पर इसको लेस करवा देंगे। अब उसको जाके हम कैपिटल गेन में क्या करेंगे, हम उसको शामिल कर रहे होंगे। अब 45,000 का गेन आया है, टैक्स इससे कितना कटा हुआ था, 6,750 का जमा करेंगे, ये हमारा गेन बन जाएगा। चूंकि पब्लिक कंपनी थी और एक जुलाई 2022 से पहले पर शेयर हमने परचेज किए थे, तो जो भी गेन होगा उसके मुताबिक 12.5% के टैक्स होगा। फिर रेंट 9,80 का एग्रीकल्चर लैंड बदीन से रिसीव होगा, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीव, कोई टैक्स वगैरह हमने नहीं काटा। अब हमने पढ़ा था कि भाई ये जो रेंट है ये तो एग्जेम्प्ट है, जैसे ही प्रॉपर्टी में जाना है, इसने बिजनेस में रखा हुआ है, तो हम ये 9,80 क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे और इसको हम एग्जेम्प्ट इनकम में शो कर देंगे। टैक्स डिप्रिसिएशन 6,80,000 रुपये की है, लेस हो जाएगी। टैक्स जो कस्टमर ने काटा हुआ है ये 8,75 का है, ये हम वहां जाकर क्लेम कर लेंगे। अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन 568 की है, ये भी हम क्या करेंगे, जब हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में तमाम एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, उन एडजस्टमेंट्स के बाद हम टैक्स अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लेस करवा देंगे, तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, तो ये हमारी लेस होनी है। तो ये सारी के सारी एडजस्टमेंट्स हैं, आप सवाल कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई किसी किस्म की मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है, अब सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है, फॉर्मेट में लिख लेंगे, फॉर्मेट समझा दिया होगा, एड बैक और लेस हो जाएगा ये। इनदर क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रिंग 18 का सवाल है, कतील वाला कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू कतील इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 30 जून पे जो ईयर एंड हो रहा है, हमने कतील इंटरप्राइजेस से क्या करना है, हमने उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। मिनिमम टैक्स इग्नोर, तमाम एग्जेम्पशन अलाउंसेस हमने शो करनी है। अब कहते हैं जी कतील रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स है, अंडर द नेम ऑफ कतील इंटरप्राइजेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, कि उसका टर्नओवर है। अगर ये ना बताता ना टर्नओवर वाला, ये अगर ये पॉइंट हमें ना बताए तो हम मिनिमम टैक्स लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग लॉस, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी। अब ये मुझे पता है कि फाइनेंशियल चार्जेस, अगर आपने कोई मशीनरी लीज पे ली हो वो क्लेमेबल नहीं होते, तो इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन की है, तो ये तो मुझे क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं इसे ही एड बैक करूंगा, ये क्लेमेबल नहीं है। फिर अदर इनकम है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसे हमें गिवन कर दिया, हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। फिर कहता है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसकी बात करता है, 45,000 पेड एज फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड। तो ये तो ठीक है, ये क्लेमेबल हो सकता है, आपने लेस किया हुआ है, ठीक है, ओके, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूड है, इसको शो नहीं, इसको मतलब एक्सक्लूड करेंगे। अकाउंटिंग डिप्रेशन 19 लाख रुपए की है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हमेशा एड बैक हो जाएगी, बिकॉज ये इनएडमिसिबल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में कहते हैं जी एक्सपेंसिस में लेस किया हुआ है, ये लेस किया हुआ, ठीक है। 45,000 पेड फॉर रिन्यूएबल ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर 15 इयर्स, आपने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है उसकी रिन्यूअल फी पे की है, जो 15 इयर्स रहेगा, तो भाई ये अमोर्टाइज होना है, ये अमोर्टाइज होना है, आपने लेस किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एड बैक करेंगे और इस 4.5 लाख को फिर हम उसके अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसकी अमोर्टाइजेशन ले लेंगे। व्हीकल टैक्स इन कैश, अब व्हीकल टैक्स कैश में पे किया होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम क्लेम कर सकते हैं, ये हमारा लेस हो जाता है। ये हमने वहां पे बड़े कैटेगोरिकली हमने बात पढ़ी हुई है कि जो व्हीकल टैक्स जो है ये हम क्या हो सकता है, ये हम इसको लेस करवा सकते हैं। उसके बाद 2 लाख पे किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे साफ साफ बताया था कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये इनएडमिसिबल होते हैं, ये एड बैक हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एड बैक हो जाएगा। उसके अलावा एडवांस टैक्स, अब टैक्स इसने लेस किया हुआ है, लेस तो नहीं होना, ये भी क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। अब कैश डोनेशन और डोनेशन टू पेड थ्रू डोनेशन टू इदी फाउंडेशन, अब ये दोनों डोनेशन क्या हो जाएंगी, एड बैक हो जाएंगी, ये क्लेम नहीं हो सकती।
हाँ जो कैश में डोनेशन की है इसके ऊपर इसको रिबेट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 2 मिलियन की जो डोनेशन होगी इस पे हम क्या लेंगे, इसका रिबेट लेंगे। हम इस 2 मिलियन की अमाउंट को कंपेयर करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ जो लोअर होगी उसके ऊपर हम रिबेट ले रहे होंगे, बट बिजनेस में ये क्या हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी। फिर इसमें 25,000 की पेनल्टी भी लेस की है जो कमिश्नर ने इम्पोज की थी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ये डिसअलाउड है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 28 की है, ये ठीक हुए हैं, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये ठीक लेस हुए हैं, इसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। फिर अदर इनकम में शामिल है डिविडेंड 5,80,000 रुपए का फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, दैट अमाउंट ऑफ इज नेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ज़कात। अब डिविडेंड ये वही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे इस सवाल में असगर वाले में सॉल्व करके दिखाया है, सेम उसी वे में हम क्या कर रहे होंगे, डिविडेंड को ट्रीट कर रहे होंगे, हम वो इनकम लेस करवा देंगे और बाद में हम अदर सोर्स में जाके FTR की इनकम में ये डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर रहे होंगे। कैपिटल गेन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स का, तो ये सेक्शन नंबर 37 में फॉल करना है, हम इसको कैपिटल गेन में शो करेंगे, बिजनेस में नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेस करवा देंगे, ये हमें बात लगती पता, तो ये भी वो ट्रीटमेंट है। अब आप देखें इट एडजस्टमेंट्स रिपीट है, ये एडजस्टमेंट्स बिल्कुल मिनिमम क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, उसने अदर इनकम में दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के लिए शामिल की होती है, हम वो लेस करवा देते हैं, तो न्यू एडजस्टमेंट कोई नहीं है इसमें से जो आपके लिए बड़ा मुश्किल है और ये ऐसे और वैसे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर 30 जून को कहते हैं लीज मशीनरी कतील ने ट्रांसफर कर ली है ऑन मेच्योरिटी ऑफ लीज, द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, उसने कहा ठीक है आप अपने सिक्योरिटी के अमाउंट एडजस्ट करें अगेंस्ट द रेजिडेंट वैल्यू जो भी स्क्रैप वैल्यू उसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए की। द कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई की थी, लीज रेंटल 2,70 के हैं, ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी अकाउंटिंग WDV जो है थी 5,90 की थी और मार्केट वैल्यू 8 लाख की। मैंने आपको लीज एसेट के ऊपर तोते की तरह पढ़ाया था, वो पूरी बात जो है बताए आपने, सिर्फ रेलेवेंट पे जाना, रेलेवेंट पे क्या, ये लीज रेंटल्स हैं, ये अलाउ है, ये क्लेम है, ये आपने लेस करवा देने हैं। अगर आपने लीज एसेट्स को एक्वायर किया तो ये रेजिडुअल वैल्यू जो है आपकी कॉस्ट बन जाएगी, आप क्या करेंगे, आप 1 लाख रुपए के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे, आप चूंकि मशीनरी ली है तो 15% के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये बात तोते की तरह पढ़ाई है आपको लेक्चर्स में कि यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, याद रखिएगा ये भूलना नहीं है। अब ये मार्केट वैल्यू WDV ये सारी की सारी क्या है, इररिलेवेंट है, टैक्स डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है, जो फाइनेंशियल चार्जेस उसने ऊपर पे कराए थे वो हमने ऊपर सवाल पढ़ते हुए आइडेंटिफाई किया, हमने कहा एड बैक हो जाएंगे, बाकी चीजें हमने अपनी आइडेंटिफाई कर ली। उसने क्या है ड्यूरिंग द ईयर अ वेयर हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, इतने का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, अब ये बिल्डिंग है इसके ऊपर क्या लेंगे, इस कॉस्ट के ऊपर जो रेट हमें गिवन होगा हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स ईयर 18 विदाउट द इफेक्ट ऑफ दिस, मतलब इसके और इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो 1,560,000 है, ये भी हम क्या करेंगे लेस करवा देंगे, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, सवाल तो खत्म हो गया। एडवांस इनकम टैक्स जो है वो हमने 84 का पे किया है, टैक्स निकालने के बाद उसमें से हम क्या कर देंगे, इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन कतील इंटरप्राइजेस का, मेरे ख्याल से ये सवाल हर एडजस्टमेंट डूएबल है, डिस्कस भी कर दिया है, ऐड कौन सी होनी है, लेस कौन सी होनी है, अब इसमें कैलकुलेशन कम है, चीजें ऐड या लेस, ऐड या लेस, ऐड या लेस हो रही है, और ये कतील वाला सवाल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है। आपको लग रहा है मुश्किल, इज इट रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन?
अनदर क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रिंग 17, इसकी भी मैं एडजस्टमेंट डिस्कस कर देता हूँ, इसमें क्या कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, कैसे नहीं करनी। कहते हैं कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू मुश्ताक फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2017, इसके लिए आपने सब कुछ करके बताना है। अब इसने यहाँ पे मिनिमम टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मिनिमम टैक्स अगर हुआ तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इधर ही मुश्ताक इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ मुश्ताक एंटरप्राइजेस, मुश्ताक साहब जो है मुश्ताक एंटरप्राइजेस का सोल प्रोप्राइटर है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसने बताया जी, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 1.8 मिलियन है। इसका मतलब उसने तो हमें यहाँ पर टर्नओवर गिवन ही नहीं किया। अगर उसने हमें टर्नओवर गिवन नहीं किया और नीचे बताया भी नहीं है तो हम मिनिमम टैक्स की तरफ जा सकते ही नहीं है, हम मिनिमम टैक्सेशन की तरफ जा सकते ही नहीं है। इसलिए कहानी जो है वो आसान होगी। अगर टोटल सेल्स गिवन की जाती, अगर टोटल सेल्स गिवन होती तो फिर हम क्या कर रहे होते, फिर हम मिनिमम टैक्स की तरफ जा रहे होते। अब चूंकि यहाँ पर टोटल सेल्स बिल्कुल भी नहीं गिवन, तो मैं मिनिमम टैक्स की तरफ कभी भी कतई नहीं जा सकता। ये चीज़ जो है मेरे लिए क्या हो गई है, बेहतर हो गई है, इजी हो गई है। तो मुझे अब पता है यार इसमें मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होना, अब मुझे उस पर्सपेक्टिव पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने ना गिवन की होती बा उस जैसे उसने कहा मिनिमम टैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया और टर्नओवर भी गिवन किया होता और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही होती तो फिर मैं जब टैक्सेशन करता तो मैं मिनिमम टैक्स की तरफ जाता। लाजमी कैसे होनी है कैसे नहीं होनी मैं उसको लाजमन कंसिडर कर रहा था, बट नहीं, तो कहानी सिंपल है। अब उसने हमें ये गिवन कर दिया जी 1.8 मिलियन का प्रॉफिट है, इसमें हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। कहते जी इसने क्या किया है, ME employees 5 salesmen, 5 salesmen employees किए हुए, 22,000 पर मंथ उन्हें पे किया जा रहा है हर सेल्समैन को और कैश में पे किया जा रहा है, तो 25,000 तक तो कैश में अमाउंट उनको अलाउ है। हम उन्हें तो 22,000 की पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो कभी भी डिसअलाउ नहीं होगी, ये पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। बिकॉज 25,000 तक कैश की पेमेंट अलाउ है, हम उनको 22,000 पे कर रहे हैं, उसमें से 6,000 एंटरटेनमेंट के शामिल है, तो ये तो अलाउ ही है, इसको तो हम इग्नोर करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने पे की, इंक्लूड जो है 1.5 लाख के हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पे किए हैं चाइना में। हमने पढ़ा हुआ है रिसर्च एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में पे होने चाहिए, चाइना वाले तो हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, तो चाइना में पे कर दिए हैं। अगर ये इन्हें क्लेम करना चाहेगा तो ये कभी भी क्लेम नहीं होंगे, तो ये एड बैक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ है, ये वापस इसकी इनकम में हम एड बैक कर देंगे। अकाउंटिंग लॉस जो है सेल ऑफ पेटेंट्स के ऊपर 65,000 का था, लॉस लेस किया था, ये अकाउंटिंग लॉस हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, ये नहीं हो सकता। हम टैक्स लॉस निकालेंगे, टैक्स WDV जो है थी पेटेंट की 4,30,000 की थी और 5,24,000 के हमने बेचे थे, तो 5,24,000 लेस 4,30,000, हम इसको देखेंगे हमारे पास कितना गेन आ रहा होगा, 94 का गेन आ रहा है, ये हम क्या कर देंगे, ये इसके इनकम में ऐड कर देंगे। और ये अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन गिवन है 25,000 रुपए की, ये भी क्लेमेबल नहीं होनी, ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर बैड डेट्स रिकवरी है, मेरे ख्याल से अब ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, जितना इस बैड डेट रिकवरी का ट्रीटमेंट बता दिए। इससे आपको पता है कि ये अकाउंटेंट भाई साहब ने इनकम में शामिल किया होगा 11 लाख रुपया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 11 लाख रुपए को क्या करवा रहे होंगे, हम लेस करवा देंगे बिकॉज अकाउंटेंट ने ये रिकवरी की होगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी टैक्स रिकवरी निकालेंगे। अब इसको 2.5 लाख रुपया डिसअलाउ हुआ था, इसको 7 लाख की रिकवरी हुई है, इसका मतलब इसको 4.5 लाख एक्स्ट्रा रिकवर हुआ है वो ऐड हो जाएगा। इसको 6 लाख डिसअलाउ किया था, इसको 4 लाख रिकवर हुआ, 2 लाख कम रिकवर हुआ है, वो इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आई गेस हमने 5 से 6 दफा इसको हमने देख लिया हुआ है, अब इसमें कोई फर्दर कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मुश्ताक एंटरप्राइजेस हैज ओपन्ड अ सेल ऑफिस इन दुबई, दुबई में सेल ऑफिस खोला है। इन रिस्पेक्ट फर्नीचर कॉस्टिंग 8.5 लाख पर WDV ऑफ 650 वाज शिफ्टेड टू दुबई, द WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 610। तो ये एसेट एक्सपोर्ट का केस है, एसेट एक्सपोर्ट का केस है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसका गेन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो डिप्रिसिएशन होगी वही क्या होगा, इसका गेन होगा 850 लेस 610 करेंगे,
हमारे पास गेन आ जाएगा, वो हम इसकी इनकम का पार्ट बना देंगे। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 580 450 थी, ये डिसअलाउड है, एडबैक हो जाएगी। ये एसेट्स हैं फर्नीचर और यूज मशीनरी, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, यूज मशीनरी जिसने जिसने इंपोर्ट की है इसके ऊपर पहले हम इनिशियल अलाउंस लेंगे वो लेस करवाएंगे, फिर इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके वो भी लेस करवा रहे होंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 6 के अलावा, मतलब इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है वो 4,56,400 है, ये भी हम लेस करवा लेंगे। एडवांस टैक्स इसने 2 लाख का पे किया, ये टैक्स में एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जो हैं वो 8,30,000 के हैं, टोटल इनकम निकालेंगे, जो इनकम आएगी उसमें से हम ये लॉस लेस करवा देंगे, और जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी वो भी हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। तो मेरे पास नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो आ जाएगी, कितनी बनती है कितनी नहीं बनती। इसके अलावा मुश्ताक ने 6,000 शेयर्स बेचे हैं 4,32,000 रुपए के, और उसने ये शेयर्स लिए थे ये कम मई को, जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है थी वो 25 थी। तो हम इसका कैपिटल गेन निकालेंगे और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में इसको क्या कर लेंगे, शुमार कर लेंगे। सो दिस वॉज द क्वेश्चन जो 16 नंबर का था, तो ये भी एक मुश्किल सवाल समझा जाता था, तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखें एडजस्टमेंट्स हैं, रूल्स आपको बताए हुए हैं, समरी शीट आपके सामने है, आपके पास दुनिया जहां के सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूमेरिकल। अब एक आधा रह गया होगा वो आप खुद देख लीजिएगा, बट आई गेस अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं होने चाहिए। जी जनाब, जी जनाब कोई सवाल है तो बताएं। आप आई कैप में बिजनेस के सवाल में से मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे? आप जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो मैं मैक्सिमम चीजें जो है वो डूएबल होंगी। मैंने आपको इन तमाम न्यूमेरिकल्स में सिखाया है कि एक अभी एडजस्टमेंट मुश्किल होती है जहां पे फंसते हैं, उसको छोड़ के बाकी तमाम एडजस्टमेंट्स करके आओ तो आपका 70-80% न्यूमेरिकल जो है वो डन हुआ होता है। पेपर में आपको अगर एक आधी एडजस्टमेंट मुश्किल लग रही है तो भाई बाकी आसान होगी, वो तो करो जाके, उसे तो पासिंग मार्क्स सिक्योर करो। ठीक है, इंशाल्लाह होती है मंडे को मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।